हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के जड़। हाँ तो गाइस, आज है 7th of November और आज से एक वीक के बाद यानी कि 14 नवंबर को भाई साहब कंगुवा मूवी को वर्ल्ड वाइड लेवल पे पावरफुल लेवल पर रिलीज किया जाएगा। और मूवी की टीम जितना कॉन्फिडेंट लग रही है कंगुवा मूवी के लिए, इससे इजीली पता चल रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन में इतना पावरफुल शॉर्ट शॉट मारने वाली है कि किसी ने सोचा नहीं होगा। और आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अपन बात करने वाले हैं कंगुवा मूवी के डे वन के ओपनिंग के बारे में कि सूर्य सर कितना पोटेंशियल रखते हैं कंगुवा मूवी को लेके और किस तरह की बारा बजाने वाले इंडियन सिनेमा की। तो पहले वीडियो को लाइक करो, आप लाइक नहीं कर रहे हो यार, सोचने वाली बात है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, कि स्पेशल लाइव हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं भाइयों, आप लोगों को पता तो है ना, जो भी लोग बोलते थे कि यार ये साउथ इंडस्ट्री के लोग प्रमोशन नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो भाई कंगुवा मूवी की टीम ने नॉर्थ में घुसकर प्रमोशंस किया। आप लोगों को पता है, जिनको पता मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं ना, अब जो ऑडियंस है, जो जनता, वो इतनी इंटेलिजेंट, उसी के साथ साथ इतनी एजुकेटेड हो गई है, सबको पता चल गया है कि सूर्या सर एंड थलापति विजय सर की कॉपी पेस्ट रीमेक कर करके बॉलीवुड वालों ने खूब पैसा छापा है। तो इजीली सब जान गए कि सूर्या सर कौन है, थलापति विजय सर कौन है, महेश बाबू सर कौन है। तो भाई सब बात करने वाले हैं, आप लोगों को पता तो है ना भाई, जस्ट 7 days बचे से थिएटर में रिलीज होने के लिए, मुझे लगा जस्ट बता देना चाहिए। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं, इस मूवी का पोटेंशियल, इस मूवी का स्किल, इस मूवी का जो कि इंडियन सिनेमा में एक यूनिक कॉन्सेप्ट रखने वाला है भाई सब, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड होल टीम ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है, प्रोड्यूसर ने भी कहा था, मैंने भी वीडियो बनाया था, जिन लोगों ने वीडियो देखा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा भाई साहब, वो तो इजीली बोल रहे हैं 2,000 करोड़ का पोटेंशियल रखती है इंडियन सिनेमा में कंगुवा मूवी, मतलब आप देखो। और ये भाई, ये जो प्रवचन थे, ये जो शॉकिंग स्टेटमेंट था, ये करण जौहर की तरफ से नहीं था भाई साहब, प्रोड्यूसर की तरफ से था, डायरेक्टरशिप की तरफ से था। तो छोटे मोटे वर्ड्स नहीं भाई साहब, 2000 करोड़ का पोटेंशियल रखती है। अब अगर अपन देखें, जैसे कि रिसेंटली अपनी ये आई थी सिंगम अगेन एंड भूल भुलैया 3 भाई, जब ये 36 से 45-40 करोड़ का ओपनिंग रख सकते, तो यहाँ पर तो भाई साहब बजट भी काफी बड़ा है, मल्टीपल वर्जन में आने वाली है, IMAX 3D 4DX और भी मल्टीपल अपडेट मतलब कि वर्जन में आने वाली है। प्रत्यंगिरी सिनेमा ओवरसीज में संभाल रहा है, फार्स फिल्म संभाल रहा है, और भी काफी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब ओवरसीज में दबदबा बना के रख रखे हैं। पेरू माची ये तो विलन होने वाले, मतलब कि सूर्या सर का, मतलब कि अगर आप देखें ना, नाना भी करते करते डे वन का भाई साहब 130 करोड़ का ओपनिंग लेने वाली है सूर्या सर की कंगुवा मूवी। मतलब कि अब काफी लोग बोलेंगे कि हर्ष भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है, सूर्या सर को कौन जानता है। तो भाई साहब आप अपने अक्षय कुमार से पूछ कर आओ कि सूर्या सर कौन है, वो किस लेवल पे पिक्चर बनाते हैं और किस तरह से वो एक्टिंग करते हैं, वो आपको बता देंगे। अक्षय कुमार काफी अच्छे है, काफी पीसफुल है, काफी हम्बल है, तो इजीली रिप्लाई कर देंगे। तो भाई साहब मैं आप लोगों को बताऊं ना, इसका जो डे वन का ओपनिंग होने वाला है वो इजीली 130 to 150 करोड़ होने वाला है, यानी कि 130 से लेके 150 करोड़ का डे वन में ओपनिंग मारने वाले हैं सूर्या सर अपनी मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी कंगुवा मूवी को लेकर। और चलो ठीक है, अगर आप मेरे प्रेडिक्शन को डिनाई भी करते हो कि इतना डे वन में ओपनिंग नहीं लेने वाली है, अभी जो मैं अपडेट आप लोगों को बताऊंगा ना, तो आप बोलने वाले हैं कि भाई साहब 150 करोड़ के भी प्लस में डे वन में ओपनिंग लेने वाली है। आप लोगों को पता है भाई साहब इसको ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड लेवल पे कितनी स्क्रीन्स दी जा रही है, एनीवन किसी को बता दो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अभी सुने आप, जस्ट सुने, वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसको जो स्क्रीन दिया जा रहा है 11,500 प्लस स्क्रीन दिया जा रहा है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, मतलब आप समझ रहे हैं। अब आप देखें VFX भी तगड़ा, कास्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल, विजन भी काफी ज्यादा पावरफुल, दो टाइमलाइन होने वाली है, 1500 साल पहले की एक करंट टाइमलाइन होने वाली है, और जो फ्रांसिस कैरेक्टर है ना भाई साहब, बहुत बड़ा गैंगस्टर होने वाला है, मतलब कि एक वीक में ये 500 करोड़ का ओपनिंग ले लेगी, मतलब कि ले लेगी वीकेंड में ही अपने 500 करोड़ कर लेगी। और ये जो मैं अपडेट दे रहा हूँ लिटरली गाइस, आप लोगों को प्योर गूज़बम्प देने वाली है, मतलब आप सोचो ना यार, 11,500
प्लस इसकी स्क्रीन मिल रही है, तो भाई सब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहाँ जाने वाला, मतलब कि देखा जाए ना तो पुष्पा दी रूल के बराबर इसको स्क्रीन प्रोवाइड की जा रही है। और अभी भी 7 डेज बचते हैं, बुक माय शो पे इवन हर जगह हाइप इतना पावरफुल देखने को मिल रहा, मतलब कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो भाई साहब अपन तो पक्के ही, आप लोगों को पता ही है साउथ की कोई भी पिक्चर हो फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो भाई साहब घुस ही जाते हैं। और यही नहीं भाई साहब, इसकी डबिंग को लेकर जितने भी लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि डबिंग अच्छी नहीं, तो भाई साहब फाइनल जो आउटपुट है ना आपको थिएटर में देखने को मिलेगा। अब आप देख लेना, कंटेंट देख ले, कंटेंट भी नहीं क्योंकि बातें कंटेंट पे होती है, आउटपुट पर होती है कि कैसा क्या रिजल्ट आया उस पर बात होती है। अब आप जितने भी पोस्टर आए हैं वो देख सकते हैं, सजल टीजर देख सकते हैं, इवन ट्रेलर देख सकते हैं। और जो अपकमिंग ट्रेलर आने वाला है, सेकेंड ट्रेलर आने वाला है जो कि 9th November को रिलीज किया जाएगा, थर्सडे को, मतलब कि थर्सडे को रिलीज किया जाएगा, अब ये मेरा वर्ड याद रखिएगा, 9th November को ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा, तब आप देखिएगा। ये जो ट्रेलर होगा इतना खतरनाक, इतने एक्शन सीक्वेंस होंगे, क्योंकि स्पेशली इस ट्रेलर में आपको भाई साहब अपने मगरमच्छ के साथ फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगा, लॉयन के साथ देखने को मिलेगा, थोड़ा मछली वछली मतलब कि एनिमल के साथ भी सूर्या सर फाइटिंग करते हुए नजर आएंगे। और मैं आप लोगों को बताऊं ना भाई, जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पोटेंशियल नहीं रखती, ये नहीं रख सकती, क्योंकि देखो इंडियन सिनेमा है, कई लोगों के डाउट रहते हैं, कई लोगों के इश्यूज होते हैं, कई लोगों की क्योरीज होती है, मल्टी चीजें होती हैं जो कि मैं क्लियर करता रहता हूं। तो भाई साहब ये मूवी इजीली इतना पोटेंशियल रखती है, इतना पोटेंशियल रखती है, इतना पोटेंशियल रखती है कि कोई सोचा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भाई साहब बहुत बड़ा ओपनिंग लेने वाली, लिटरली गाइस बहुत बड़ा ओपनिंग लेने वाली है, क्योंकि इस मूवी के अंदर ना आपको VFX इश्यू होने वाला है, ना फाइटिंग सीक्वेंस होने वाला, ना ही कुछ अदर इश्यूज होने वाले, मतलब कि प्रमोशन भी दबाकर हो रहा है, आउटपुट भी दबाकर आ रहे हैं। और अभी जो ट्रेलर आएगा ना भाई साहब, आपको इतने मल्टीपल एक्शन सीक्वेंस और लॉर्ड बॉबी जो कि नॉर्थ की पब्लिक को भाई साहब इकट्ठा करने वाले हैं आफ्टर एनिमल के बाद, बताए ना आप लोगों को लॉर्ड बॉबी कौन है, हाँ तो भाई साहब आफ्टर एनिमल के बाद बॉबी देवल सर भाई सब नॉर्थ की जनता को, ऑडियंस को इकट्ठा करने वाले कि आप आओ, नहीं आप आओ नहीं तो 2.5 किलो के यहाँ से तोड़ फाड़ कर देंगे। तो भाई साहब वो सारे एरियो को, नॉर्थ को भाई साहब लपेट के थिएटर में भर देंगे। और जिस तरह से भाई साहब उनका पावरफुल कैरेक्टर अपने को कंगुआ मूवी में देखने को मिलेगा ना, मतलब कि यार एकदम तबाही लाने वाले। शॉर्ट शॉर्ट डे वन में 130 to 150 crore का ओपनिंग लेने वाले हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ये मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, कितना 130 करोड़ से लेकर 150 करोड़ का वर्ल्ड वाइड लेवल पे ओपनिंग लेने वाले हैं। बाकी ये मेरे प्रिडिक्शन थे, आपके क्या प्रिडिक्शन है डे वन के ओपनिंग के बारे में कि कंगुआ मूवी कितना पोटेंशियली लाइफ टाइम कमा सकती है, क्या कर सकती है, अपने ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।